आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पर एलोवेरा का प्लांट है उसे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मैंने पॉटिंग मिक्स है, तो सबसे पहले मैंने ये मेरी गार्डन सॉइल है जो बिल्कुल सैंड की तरह है, ये देखिए। और ये मेरे पास कुछ बिल्डिंग सैंड है एलोवेरा को ग्रो करने के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट मिक्सचर है। और ये मेरे पास घर में बनाई हुई ऑर्गेनिक खाद है जिसकी वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। और ये मेरे पास एक एलोवेरा का प्लांट है जिसे मैंने अपने गार्डन में से उखाड़ा है और अब मैं इसे अपने इस पॉट में लगाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये पॉट लिया है जिसके नीचे 8-10 होल है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आप पॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें उसके नीचे होल होने चाहिए ताकि जो एलोवेरा के प्लांट में पानी जमा ना हो सके। तो सबसे पहले हमें पॉटिंग मिक्सचर तैयार कर लेना है। ये कुछ बिल्डिंग सैंड है, कुछ इस तरह से मैंने बिल्डिंग सैंड अपने सॉइल में मिक्स कर ली है। और ये मेरे पास जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट है जिसे मैंने घर में तैयार किया है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो भी देख सकते हैं। तो हमें इन तीनों मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। बिल्डिंग सैंड का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि जो पॉट में पानी जमा ना हो सके और जो हमारा जो एलोवेरा का प्लांट है वो अच्छा ग्रो हो सके, क्योंकि एलोवेरा में अगर पानी रुकेगा तो वो उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। एलोवेरा स्टैंडिंग जो वाटर उसे टॉलरेट नहीं कर सकता, इसलिए हम इसमें बिल्डिंग सैंड का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो पॉट में पानी जमा ना हो सके। तो ये मेरे पास मैंने जो पॉटिंग मिक्सचर तैयार कर लिया है, तो हम इसमें इसे इस पॉट में भरेंगे कुछ इस तरह से। हाफ भरने के बाद हमने जो एलोवेरा का प्लांट है उसको सेंटर में रख के उसके साइड में जो हमारा जो पॉटिंग मिक्सचर है उसे भर देना है और अच्छी तरह से उनकी रूट्स को कवर कर देना है। एलोवेरा का जो पानी है वो लगभग 30-40% ही चाहिए होता है, तो आप एलोवेरा में ज़्यादा पानी मत डालें। एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारा जो पॉट है उसे आपने धूप में रखना है, डायरेक्ट सनलाइन में आपने रखना है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे लगभग आधा मग आप पानी डाल सकते हैं, और उसके बाद पानी तब डालना है जब जो अपर सॉइल है वो पूरी तरह से ड्राई हो सके। और पानी डालने के बाद आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखें, क्योंकि जो एलोवेरा का जो प्लांट है वो ज़्यादा सनलाइट में ग्रो करता है।